प्रभासफिल और एंडेमोस के कोलैबोरेशन में दो वेब सीरीज और एक फिल्म कर रही है। जो एक फिल्म है SLM जो लंदन शूट होने वाली है, और एक फिल्म है लातूर पैटर्न जो लाइक दिस KGF पैटर्न जो टीचिंग के मामले में लातूर हब जो इंडिया में कैसा बुक करता था उसके ऊपर है, और एक द कॉन्विट जो सत्य घटना पर आधारित है, द ट्रू स्टोरी। ये तीन सब्जेक्ट हैं हमारे। नमस्कार, मी प्रभास फिल्म CEO संग्राम नाईक। मी सर्वांच्या इथं प्रेस मीडिया वगैरे सगळ्या पर उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानतो की आजच्या ह्या दिवशी इंडे मॉलसोबत आम्ही जोडले गेलो आहे। तर आम्हाला आनंद आहे की हा आमचा पहिला क्षण आहे। तर ह्याबद्दल बरोबर आपण तीन फिल्म जसं सरांनी सांगितलं, तर त्या तीन फिल्म आपण सक्सेसफुली आणि प्रेक्षकांना 100% त्यांच्या पसंतीला उतरतील अशा प्रकारे आपण इंडे मॉलसोबत काम करतो आहे, आणि असेच इंडे मॉलनं आम्हाला सदैव साथ द्यावी असं आम्ही एक अपेक्षा करतो। थँक्यू। हाँ, जो असेंबली जो सीरीज है जो हम लंदन शूट करने वाले, उसमें हम दिखाएंगे कि रियाप सेंटर में लेडीज़ के साथ क्या होता है, पूरा उसके ऊपर बेस है, और कहाँ वो कैसे छूटती है वहाँ से, उनको कैसे छूटना है, बाहर कैसे जाना है, ये उसके ऊपर गावा है, पूरा सब्जेक्ट डिपेंडिंग है। और जो लातूर पैटर्न, ये स्टाइलिश फिल्म, एक्शन ड्रामा, शायद अभी आफ्टर बॉलीवुड जो अभी स्लैब पर जा रहा है, मुझे लगता है कि जैसे लातूर पैटर्न आएगा तो और बॉलीवुड का नाम ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि साउथ के कंपटीशन में ही सब्जेक्ट है ये। तो आर्ट बालाजी पे, उसका नाम केविन नाइफ है, जो उसके डायरेक्टर कविराज है। तो एक सस्पेंस थ्रिलर है, उसमें राजेश शर्मा जी ने लीड रोल किया है, नेहा महाजन है, अंकित मोहन है, वो भी सुशांत सेलास, ये सब हिंदी और मराठी के कॉम्बिनेशन है। पूरा उत्तराखंड में शूट हो चुकी है, आई थिंक सो आफ्टर 2 months के बाद रिलीज़ होगी। Z5 एंड आल्ट बालाजी का जो कोलाब्रेशन आपको पता ही होगा, उसके साथ रिलीज़ होने वाली है आफ्टर 2 months। आफ्टर साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट्स ऑल्सो यूनिक सब्जेक्ट, लाइक दिस 3 यूनिक सब्जेक्ट, आफ्टर 2 months यू विल सी। और राजेश शर्मा एज अ लीड रोल, केविन नाइफ एंड राजेश शर्मा इज द लीड रोल, नेहा महाजन, अंकित मोहन, सुशांत सेलाय, दे आर द एक्टर्स इन दैट। एंड सुशांत सेलाय इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अनुष्का शिंदे इज प्रोड्यूसर, आई एम अ राइटर। दिस इज फर्स्ट सीजन, ये फर्स्ट सीजन, सो सेकंड सीजन वी आर प्लानिंग नेक्स्ट। सेकंड सीजन प्रभास फिल्म के साथ करने वाले, प्रभास फिल्म ही करने नहीं, उसमें हम लोगों ने बात की है, जिमी शेरगिल, शरद केलकर ऑन बोर्ड है, शायद कोबरा है उसमें, माही गिल है, और हमारी शिल्पा शुक्ला, ये कास्ट है उसमें। तो ह्यूज वेब सीरीज है। ये प्लान होगा हमारा अप्रैल मई में शूट है, बल्गारिया। सो मुझे अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सर की स्टोरीज एंड सर का कॉन्सेप्ट है, बट एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब अभी तक OTT में, वेब सीरीज में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया है। सो आई होप ऑडियंस को पसंद आए और लोग पसंद करें। आपको हम देखेंगे, शायद देख सकते हैं इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट, बट नथिंग इज कन्फर्म येट। डेफिनेटली डूइंग वेब सीरीज एक्टर। आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें है कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी कर रही है, लेडीज भी कर रही है, डायरेक्शन मैं कर रहा हूँ इसमें, और जो कोलाब्रेशन है और 2-3 लेडीज़ हमने ऑन बोर्ड आ चुकी है, मोस्टली हमारे लाइन प्रोड्यूसर जो इंडोमाल से, वो भी लेडीज़ ही है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी लेडीज़ है, और जो UK गवर्नमेंट से भी जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, कोलाब्रेशन भी हो रहा है, वो भी लेडीज़ ही है। अश्विन चोपड़ा उनका नाम है, वो भी सब लेडीज बेस पे हमने रख दिया। हमने अभी टेंटेटिव उनके साथ कल्कि कोचे, सोहाली खान, तिस्का चोपड़ा और सोनाली जी से बात हो रही है, सोनाली बेंद्रे जी से बात हो रही है, वो तो ऑलमोस्ट डन होगा, बट हम लोगों ने
अनाउंस नहीं करना चाहते थे सोनाली जी का नाम, बट अभी आपने पूछ लिया तो हमने बता दिया, बस बातें चालू ही है। ये जनवरी एंड फर्स्ट वीक में लंदन शूट हो जाएगी, स्टार्ट हो गई। अभी प्रभास फिल्म के हमारे फंडर्स है, सीईओ है हमारे संग्राम जी, ये बेस कोल्हापुर से, और इनकी इच्छा बहुत थी कि कोल्हापुर, जो आपको पता है कि फिल्म जो भी बना इंडियन सिनेमा कोल्हापुर से बॉर्न हुआ है, तो इन्होंने इनकी सोच इतनी अच्छी है कि उन्होंने सोचा कि कोल्हापुर बेस जो चित्र नगरी है अभी भी, जैसे हम फिल्म सिटी बोला जाता है, फर्स्ट फिल्म सिटी इन द इंडिया, उन वो अभी तक बंद है, तो इन्होंने सोचा कि इससे डेवलप और ज़्यादा करेंगे, कि ह्यूज, जैसे हमारी रामजरा फिल्म सिटी है, सिमिलर संग्राम जी कोल्हापुर में सिमिलर बिग फिल्म सिटी बनाने का प्लान चालू है, ऑलमोस्ट उनका हो गया प्लान उनका सर, तो होप सो और बेटर भी करेंगे हम लोग, और लोकल आर्टिस्ट जो कोल्हापुर बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ड है, उनको भी बाहर जाने की